All right, so today we are going to start the 17th lecture of nutrigenomics. And topic of our lecture is vitamin C and the effect of vitamin C on gene regulation. So before moving on to the actual lecture, this is basically an icebreaker for all of you. आप लोगों के सामने ये पिक्चर नजर आ रही है, अब आप लोग मुझे बताएं व्हिच टैंक विल बी फुल फर्स्ट. मिस फोर्थ और कौन तो बताएगा मरियम के अलावा? मिस योर हैंड्स. मिस थर्ड फोर्थ वन एंड सेकंड वन. सब लोग सो रहे. मिस हर टैंक में जो है वो लीकेज है, तो जब वो लीक करेगा तो वो फुल फिल तो होगा ही नहीं. वो जितना फिल होगा वो साथ ही लीक होने लग जाएगा, तो फोर्थ वो वाहिद है जिसमें लीकेज नहीं है. सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ, क्योंकि अगर आप ये देखें पिक्चर वन वाला भी फुल नहीं होगा, टू भी नहीं फुल हो सकता, थर्ड भी जो है वो फुल नहीं हो सकता वो, क्योंकि वो जैसे जैसे फुल होना शुरू होगा फोर्थ फिल होगा. सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. इट वाज जस्ट एन आइस ब्रेकर फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोग जो सो रहे हैं वो जाग जाएं, और मैंने ये देखना था कि आप लोग कितने जाग रहे हैं. चलिए खैर, लेट्स टॉक अबाउट विटामिन सी एंड द इफेक्ट ऑफ विटामिन सी ऑन जीन रेगुलेशन. जैसे हमने बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सो फार कवर किए हैं, आप लोगों ने जो है विटामिन ए ई डी के ये सारे विटामिन्स आप कवर कर चुके हैं, और विटामिन सी जो है वो एक रह गया था. मैंने बस बीच में जो है वो आपको पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन और एपिजेनेटिक्स के टॉपिक्स ऐड किए थे जानबूझ के आप लोग, ताकि बोरिंग ना हो जाए सारे न्यूट्रिएंट्स एक साथ हम कवर करें. आज का लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें जो साइंटिफिक रिसर्चेस हैं थोड़ा सा उनको समझने में अटेंशन चाहिए. फाइल होप कि आप सब लोग जो हैं वो लेक्चर को केयरफुली सुनेंगे अटेंटिवली. अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आती तो वो बीच में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और रिपीट अगर करना है तो वो भी मुझे बता सकते हैं. ऑल राइट, सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर अब आप लोग मुझे ये बताएं, व्हाट डू यू नो अबाउट विटामिन सी? विटामिन सी इज आल्सो नोन एज फोटोसिंथेसिस. मिस वाटर विटामिन है ये, और एंटीऑक्सीडेंट भी है, ये सिट्रस फ्रूट्स में होता है. एंड रिपेयर ऑफ ऑल बॉडी टिश्यूज. टिश्यूज रिपेयर करवाता है मैम. मैम एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन भी करवाता है. जो होता है ना वो हेयर्स के लिए भी बहुत बेनिफिट होता है. मैम बोन इवन करवाता है, और मैम इसकी डेफिनेशन बूस्ट कर भी हो सकता है. मैम इम्यून सिस्टम को बोन हीलिंग हेल्प टू प्रोटेक्ट सायरा. मैम इम्यून सिस्टम को बूस्ट आउट करता है विटामिन सी. मैम वुंड हीलिंग भी करवाता है. ठीक है, बेसिक रोल जो है विटामिन सी का ये है कि भाई ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, और ये कोलेजन फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, और डिफरेंट डिजीजेस की प्रिवेंशन में रोल प्ले करता है. तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जीन लेवल पे कौन से ऐसे चेंजेस आते हैं, या को जीन लेवल या जीन एक्सप्रेशन को ये कैसे रेगुलेट करता है या चेंज करता है. विटामिन सी इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड. इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय द स्मॉल मॉलिक्यूल्स. What are micronutrients? They are the chemical element or substances which are required in trace amount for the normal growth and development of living organisms.
सो वाइटामिन सी ऑल्दो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब ये है कि बहुत ट्रेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, आप उस ट्रेस अमाउंट में भी इसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से डिजीजेस हो सकते हैं। वाइटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है? स्कर्वी। वेरी गुड मैम, ठीक है, स्कर्वी जो है वो वाइटामिन सी की डेफिशिएंसी से। Different examples of micronutrients include phytochemicals, vitamins, or antioxidants. Vitamin C is also known as L-ascorbic acid. It is a water-soluble vitamin, and body cannot synthesize vitamin C. It is naturally present in some foods, and sometimes it is added to different foods. So, vitamin C की fortification भी होती है, और हमारे पास natural sources भी हैं vitamin C की, जैसे कि citrus fruits हो गए. It is an essential dietary component which protects the cell against the oxidative stress. And vitamin C is involved in the hepatic gene expression. Now, what is hepatic? I'm liver. Liver. Very good. So, the liver cells hain, unke gene expression mein, wo ye regulate karta hai vitamin C. Vitamin C is also an enzyme cofactor of different enzymes. It is a cofactor of family of gene regulatory enzymes such as hydroxylases, which are involved in the collagen formation and scurvy prevention. These enzymes also hydroxylate the transcription factors, for example, hypoxia inducible factor 1 alpha, which responds to the decrease in available oxygen in the cellular environment or hypoxia. So, agar main aap logo se poochu ke vitamin C jo hai wo gene expression ko kaise regulate karta hai, to vitamin C basically indirectly gene expression ko regulate karta hai, theek hai? Ab indirectly kaise karta hai? By acting as a cofactor of different enzymes. Vitamin C basically ये जो आपके पास six points हैं, ये different enzymes हैं जिनके लिए ये as a cofactor act करता है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं hydroxylases, और hydroxylases जो है वो set of enzymes हैं जो के involved हैं आपकी collagen formation में और scurvy prevention में। So हम ये कहते हैं कि vitamin C की deficiency से scurvy होती है, लेकिन एक्चुअली विटामिन सी जो है वो बेसिकली हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के लिए एज अ कोफैक्टर एक्ट करता है, और वो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स जो है वो आगे स्कर्वी प्रिवेंशन और कोलेजन फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ विटामिन सी जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 अल्फा की ट्रांसक्रिप्शन में भी रोल प्ले करता है, यानी जीन लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हाइपोक्सिया 1 अल्फा को ये हाइड्रोक्सिलेट करता है विटामिन सी, और इस तरह से ये एपिजेनेटिक रेगुलेशन में रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ विटामिन सी जो है वो कार्निटिन के सिंथेसिस को भी प्रमोट करता है, एंड विटामिन सी इज आल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन हॉर्मोन्स। अब ये जो कैटेकोलामाइन हॉर्मोन्स हैं, ये वो हॉर्मोन्स हैं जब अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस में हो, चाहे फिजिकल स्ट्रेस हो या इमोशनल स्ट्रेस हो, तो कैटेकोलामाइन हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं। विटामिन सी जो है वो कैटेकोलामाइन हॉर्मोन्स के सिंथेसिस को प्रमोट करता है बाय एक्टिंग एज अ कोफैक्टर। देन विटामिन सी आल्सो एक्ट्स एज अ कोफैक्टर फॉर द एमाइडेटेड पेप्टाइड हॉर्मोन्स, और इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास जो है वो वेसोप्रेसिन की आती है। वेसोप्रेसिन एक हॉर्मोन है जो आपकी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में रोल प्ले करता है, ठीक है। और लास्टली विटामिन सी आल्सो एक्ट्स एज अ कोफैक्टर फॉर द टीईटी एंजाइम्स, एंड टीईटी एंजाइम्स आर द शॉर्ट फॉर्म फॉर द 10-11 ट्रांसलोकेशन एंजाइम्स।
ठीक है, अब आप जब भी ये लेक्चर खोलेंगे ना, आप लोगों ने ये जो पॉइंट्स मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं ये आप लोगों को याद होने चाहिए। पूरा लेक्चर जो है वो इन्हीं एंजाइम्स के ऊपर है और कैसे ये एंजाइम्स जो है आपके जीन एक्सप्रेशन को चेंज करेंगे या रेगुलेट करेंगे उसके ऊपर। वन बाय वन मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ ये सारे एंजाइम्स कैसे रोल प्ले करते हैं। सो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ये हाइड्रोक्सिलेशन में भी रोल प्ले कर रहे हैं और बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हाइपोक्सिया। अब ये हाइपोक्सिया जो है, व्हाट इज हाइपोक्सिया? ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, हाइपोक्सिया जो है वो जब ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो हाइपोक्सिया की स्टेट होती है, यानी ऑक्सीजन लेवल्स जब कम होते हैं। अब ये जो हाइपोक्सिया डिस्टर्बेंस फैक्टर 1α है ये तब रिस्पॉन्ड करता है जब आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी एक्टिवेशन में वाइटामिन सी रोल प्ले करता है क्योंकि वाइटामिन सी जो है वो इसको हाइड्रोक्सिलेट करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा जीन लेवल के ऊपर और फिर इस तरह से वो हाइपोक्सिया में किया हाइपोक्सिया की स्टेट में रिस्पॉन्स देता है। वाइटामिन सी इज ऑल्सो अ कोफैक्टर फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्निटिन। कार्निटिन के एंजाइम्स जो है ना बच्चों, ये मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। जब आपके फैटी एसिड्स जो है, ये बेसिकली ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि फैटी एसिड्स को कैरी करती हैं टूवर्ड्स दी माइटोकॉन्ड्रिया ताकि आपकी एनर्जी जो है वो जनरेट हो सके। तो कार्निटीन प्रोटीन्स जो है दे आर इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म और इसका सिंथेसिस जो है वो वाइटामिन सी के ऊपर डिपेंडेंट है। कैटेकोलामाइन हॉर्मोन्स दे आर द स्ट्रेस हॉर्मोन्स। ठीक है, जब बॉडी स्ट्रेस में होगी ये रिलीज होंगे। इसके एग्जाम्पल में डोपामिन भी आता है, सेरोटोनिन भी है, नॉरएपिनेफ्रिन भी है, तो ये वाइटामिन सी के ऊपर डिपेंडेंट है। माइग्रेटेड पेप्टाइड हॉर्मोन्स में हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है वैसोप्रेसिन की, जो कि आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है। लास्टली आपके पास ये टीईटी एंजाइम्स आ जाते हैं। ये टीईटी एंजाइम्स की फुल फॉर्म है 10-11 ट्रांसलोकेशन एंजाइम्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ मिथाइल ग्रुप्स for the DNA histones, thus they play a role in the genetic transcription and epigenetic regulation. All right, so अब आप लोग मुझे ये बताएं DNA methylation से gene turn on होता है या off होता है? हाँ जी बच्चों, DNA methylation से जीन टर्न ऑन होता है या ऑफ होता है? जीन का एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा? मिस साइलेंस होता है जीन? इट साइलेंट होता है। ठीक है, सो TET एंजाइम्स जो है वो डीमिथाइलेशन करवाते हैं, यानी DNA और हिस्टोन्स को की एपिजेनेटिक रेगुलेशन करते हैं और basically demethylation करते हैं, removal of the methyl group from the DNA and histones, जिसकी वजह से gene जो है वो express होता है। So I can sum up के जो vitamin C है वो indirectly affect करता है gene transcription को और epigenetic regulation को। Gene transcription में इसका ये role है कि हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर जो है आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इसकी ट्रांसक्रिप्शन करता है। और एपिजेनेटिक रेगुलेशन ये कैसे करता है? बाय डिक्रीजिंग द मिथाइलेशन ऑफ द डीएनए इन हिस्टोन्स, और वो इस टीईटी एंजाइम्स के थ्रू करता है। ठीक है, और हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर जो है वो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के लिए एज अ कोफैक्टर एक्ट करके करता है। तो ये जो आप लोगों के सामने चार्ट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर के लिए। जब आप इस लेक्चर को प्रिपेयर करेंगे तो ये जो रेड बॉक्स पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है बेसिकली वो फैक्टर्स हैं जो कि जेनेटिक और एपिजेनेटिक रेगुलेशन कर रहे हैं। और बाकी जो ये है हमारे पास ये डिफरेंट एंजाइम्स और हॉर्मोन्स हैं जिनकी एक्टिवेशन में वाइटामिन सी रोल प्ले करता है। वाइटामिन सी जो है वो कोलेजन सिंथेसिस को प्रमोट करता है, कार्निटिन के सिंथेसिस को प्रमोट करता है, कैटेकोलामाइन के सिंथेसिस को प्रमोट करता है और एमाइडेटेड पेप्टाइड्स के
जो कि हार्मोनल रेगुलेशन में इन्वॉल्व है उनको प्रमोट करता है। ठीक है, इस चार्ट में कोई ऐसी बात जो आप लोगों को ना समझ आई हो तो वो आप पूछ सकते। Alright, so let's talk about the role of vitamin C in the formation of collagen. So आप ये देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो उनका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है, यानी एक दूसरे के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है और ये एक दूसरे की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने में रोल प्ले करता है। सो ग्लूटाथियोन जो है वो मास्टर बॉडीज मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है जो एंजाइमेटिक रीजनरेशन इसकी होती है और ये फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट एक्ट करता है। तो वाइटामिन सी को एक्टिव करने में भी इसका एक रोल होता है। जब वाइटामिन सी ऑक्सीडाइज हो जाता है फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने में, तो ग्लूटाथियोन जो है वो उसको एक्टिवेट करने में या रीजनरेट रिसाइकल करने में रोल प्ले करता है। इसी तरह वाइटामिन सी जो है वो वाइटामिन ई की ई अगर यूज हो जाए बॉडी में तो उसको भी एक्टिव करने में रोल प्ले करता है। और इसके साथ साथ वाइटामिन सी जो है वो कोलेजन फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करता है। So there is a research in which it has been studied that vitamin E improves the vitamin C function and ascorbic acid is effective for reducing the oxidative damage to the skin when it is used in conjunction with the vitamin E. यानी अगर हम vitamin E supplementation के साथ vitamin C supplementation ले रहे हैं तो जो skin damage skin में जो oxidative stress हो रहा है उसके against ये बड़ी effective है। मैकेनिज्म इसका ये है कि विटामिन सी इट बेसिकली एक्ट्स एज अ रीजनरेटर ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड विटामिन ई बाय इफेक्टिवली रीसाइक्लिंग द विटामिन ई एंड लिमिटिंग द ऑक्सीडेटिव डैमेज टू द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स। ठीक है बच्चों, आप लोगों को बात समझ आ गई है कि अगर आप लोगों को याद हो हमने विटामिन ई के लेक्चर में ये देखा था कि विटामिन सी जो है वो विटामिन ई के साथ इंटरैक्ट करता है। तो इनका इंटरेक्शन जो है वो पॉजिटिव इंटरेक्शन है और दोनों मिल के जो है वो ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करने में एक रोल प्ले करते हैं। और मैकेनिज्म इसका ये है कि बेसिकली वो रीसाइकल करने में और रीजनरेट करने में एक इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। व्हाट कुड बी द मैकेनिज्म बाय व्हिच एस्कॉर्बिक एसिड एक्ट्स ऑन द जीन एक्सप्रेशन? So from its chemical structure, ascorbic acid is an electron donor, therefore it is a reducing agent. It thus has two different biochemical roles. Number one, it acts as an antioxidant, and number two, it acts as an enzymatic cofactor. So ye do properties hain jiske sath ye milke jo hai aapki body mein role play karte hain. Ek to ye cofactor hai, dusra ye ek antioxidant. It is an electron donor for different enzymes, including collagen hydroxylation, two involved in carnitine synthesis, and others involved in orthotrichine and tyrosine synthesis. This enzymatic property certainly has an impact on cell metabolism, which could influence the gene expression. However, these mechanisms are probably not directly involved in the control of gene expression in cells similar. ठीक है, अब आपको ये बात समझ आ गई है कि विटामिन सी जो है वो डायरेक्टली नहीं कंट्रोल कर रहा आपके जीन एक्सप्रेशन को, बट इनडायरेक्टली कर रहा है बाय एक्टिंग एज अ कोफैक्टर एंड एंटीऑक्सीडेंट। और इसके अलावा ये जो है सेल मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है जिससे जीन एक्सप्रेशन जो है वो इफेक्ट होता है। वी हैव अ केस स्टडी इन विच द एक्शन ऑफ विटामिन सी ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ द 84 oxidative stress related gene has been studied in a cultured skin fibroblast from the burned patients. अब इस रिसर्च में विटामिन सी का इफेक्ट देखा जा रहा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलेटेड जीन्स में, और जो सेल हैं वो हमारे पास स्किन फिब्रोब्लास्ट के सेल्स हैं बर्न पेशेंट्स में, यानी जो 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 बर्न पेशेंट्स होते हैं उनमें ये देखा गया कि एस्कॉर्बिक एसिड का क्या इफेक्ट होगा या क्या एक्शन होगा उसका ऑन द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलेटेड जीन्स। अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स ऑफ दिस रिसर्च, 4 ऑफ द 10 जीन्स आर रिलेटेड टू द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, व्हाइल 6 आर एसोसिएटेड विद द एंटीऑक्सीडेंट्स।
Vitamin C could alter the expression of oxidative stress-related genes, and it has been shown to be effective in the treatment of the burn patients because of its antioxidant properties. ठीक है? तो इस रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि हम बर्न पेशेंट्स को एस्कॉर्बिक एसिड की सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं क्योंकि ये जीन लेवल के ऊपर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलेटेड जीन्स हैं उनको इफेक्ट करता है और इस तरह से उनको जो है वो कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की वजह से ये बर्न पेशेंट्स की स्किन को इम्प्रूव करने में एक रोल प्ले करता है. Now this is another research in which the effect of ascorbic acid on the collagen matrix formation and osteoblast differentiation in the murine cell is studied. All right, so पहले आप लोग ये मुझे बताएं कि आपको पता है what is murine और murine cells क्या हैं? Miss ये किसी bacteria की coating में होता है. I guess polysaccharide को कहा जाता है. अच्छा, murine cells जो हैं वो basically differ करेंगे जो mice में जो cells हैं उनको और ये जो आगे नाम लिखा हुआ है exactly ये cell की coding है MC3D3E1 और इस रिसर्च में ये हुआ है कि इन्होंने इफेक्ट देखा है ascorbic acid का on collagen matrix formation और osteoblast differentiation. ठीक है, मतलब whether the ascorbic acid is effective for the collagen matrix formation or not, basically study के ऊपर ये रिसर्च की हुई है माइस पे और इसमें ये देखा गया. So several genes in the MC3E3E1 model were cultured with the ascorbic acid for the 24 hours. So basically 24 hours तक जो है हमने सेल कल्चर के ऊपर जो है देखा स्टडी किया. ठीक है, म्यूरिन जो है वो बेसिकली रेफर कर रहा है आपके माइस को. तो ये इस रिसर्च की जो है ना ये पिक्चर्स ऐड हुई है और जो MC3D3E1 मॉडल है ये रेफर कर रहा है ऑस्टियोब्लास्टिक सेल लाइन को, यानी जो आपके माइस के ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स थे उनको उनके साथ कल्चर किया गया एस्कॉर्बिक एसिड को फॉर 24 आवर्स और उसका इफेक्ट देखा कि भाई ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स के ऊपर उसका क्या इफेक्ट है. And they specifically MC3E1 जो है ये obtained it was obtained from the calvaria. Now what is calvaria? It is basically the skull of the mice. यानी ये जो top part of the skull है जो आपको नजर आ रहा है mice का skull, its top part है. वहाँ से ये cell line को जो है culture किया गया और उसको basically ascorbic acid का effect देखा गया. What is cell line? It is basically a cell culture which is dependent from the single cell and those cells consisting of the cells within a uniform genetic makeup. Yani ek cell se multiple cells ka culture banaya gaya aur they have the same genetic makeup. They act in a similar behavior. Aur basically kyunki hum gene expression study kar rahe hain to uska effect dikha gaya. Ascorbic acid ka effect dikha gaya. So according to the results of this research, some genes were expressed and some were repressed. Those genes which were expressed included, they were involved in the cell growth, metabolism, morphogenesis, cell death, and cell communication. So basically, जो cell cycle है, उसके अंदर ये genes जो हैं involved थे, और ये effect हुए थे ascorbic acid की supplementation से. So the conclusion of this research is that ascorbic acid is essential for the proliferation and differentiation of MC3E3E1. Yani hum ye keh sakte hain ki jo ascorbic acid hai wo aapki osteoblastic cell line ko improve karta hai, uski proliferation aur differentiation mein ek important role play karta hai. Aur aap ye dekh sakte hain ki sirf 24 hours mein osteoblastic cell line jo hai wo affect hui thi ascorbic acid ki culture se. बच्चों इस रिसर्च की समझ आई है आपको? एनी क्वेश्चंस? कोई बात अगर नहीं समझ आई तो हम इसको रिपीट कर मैम ये मैम रिपीट कर दें. अच्छा, इस रिसर्च में बेसिकली इफेक्ट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड ऑन द कोलेजन फॉर्मेशन और ऑस्टियोब्लास्टिक सेल लाइन देखा गया था, यानी ऑस्टियोब्लास्ट सेल के ऊपर एस्कॉर्बिक एसिड का क्या इफेक्ट है. ठीक है,
तो इस रिसर्च में जो माउस का स्कल का ऊपर वाला पार्ट होता है वहां से सेल लिए गए और उसको 24 आवर्स तक एस्कॉर्बिक एसिड के साथ कल्चर किया गया और देखा गया कि उनके जीन के एक्सप्रेशन में क्या चेंजेस आ रहे। तो जो कंक्लूजन जो फाइंडिंग थी इस रिसर्च की वो ये थी कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। ये MC3T3E1 जो है ये बेसिकली ऑस्टियोब्लास्टिक सेल लाइन को रेफर कर रहा है। ठीक है, जो समझ आई बात की? जी मैम आ गई। क्या समझ आई जोया? मैम आपने ये बताया है कि सबसे पहले इसमें क्या किया था रिसर्च में कि माइस के जो है ना स्कल से लिया गया था जो जिसको हम कैल वाइवा शायद कहते हैं उससे हमने एक लिया है सैंपल और उसको 24 आवर्स के लिए रखा है और इसके रिजल्ट में ये शो हुआ है कि ये जो है विटामिन सी वो इनकी प्रोलिफरेशन और डिफ्रेंसिएशन ऑफ MC3TCE1 की रेगुलेशन करवाता है, मतलब कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल लाइन की जो है ना ये प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन करवाता है। वेरी गुड एक्सीलेंट। ठीक है, यानी एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट सेल लाइन को इंप्रूव करता है, उसकी प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन में इफेक्टिव है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू अनदर रिसर्च। और इस रिसर्च में जो है वो इफेक्ट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इन चार्कोट मेरिटू डिजीज CMT type 1 alpha इसके ऊपर जो है वो स्टडी हुई। तो अब आप लोग मुझे ये बताएं आपको चार्कोट मेरिटू डिजीज के बारे में क्या पता है, व्हाट इज सीएमटी टाइप 1 अल्फा और चार्कोट मेरिटू डिजीज? हाँ जी, पहले कभी पढ़ा है? हाँ जी बच्चों, नहीं मिस पहले नहीं पढ़ाई है। मैं आपको बता दूं कि चार्कोट मेरिटू डिजीज जो है वो है क्या, इट इज बेसिकली अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। इट इज अ डिजीज ऑफ पेरिफेरल नर्व्स व्हिच कंट्रोल्स द मसल्स एंड इट इज फाउंड इन बोथ जेंडर्स इन ऑल रेसेस एंड एथनिक ग्रुप्स। इट इज मोस्ट कॉमनली इनहेरिटेड पेरिफेरल न्यूरोपैथी व्हिच अफेक्ट्स द 2.8 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। CMT is slowly progressive, causing the loss of normal function or sensation in the lower legs and feet, hands and arms. CMT is currently incurable, but it is not usually fatal, though it is severely disabling in a small proportion of the cases. Basically, CMT is a peripheral nervous system type disorder, which is inherited. और इसमें होता ये है कि जो आपके पेरिफेरल नर्व्स हैं जो कि आपके अपर लिप्स और लोअर लिप्स के मसल्स को कंट्रोल कर रही हैं वो उनका फंक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली इसकी वजह से डिसेबिलिटी होती है। आपके हैंड्स और फीट जो है वो फंक्शन करना छोड़ देते हैं, उनमें सेंसेशन खत्म हो जाती है, मूवमेंट उनकी जो है वो कम हो जाती है। अब इस रिसर्च में ये हुआ कि माइस के ऊपर ये रिसर्च मिली है और ट्रांसजेनिक माइस ओवर एक्सप्रेसिंग द पेरिफेरल माइलिन प्रोटीन 22 PMP22 इट वाज बेसिकली लीडिंग टू द पेरिफेरल नर्व लॉस। सो इस रिसर्च में ये हुआ कि माइस लिए गए, ठीक है, और उनमें ये पेरिफेरल माइलिन प्रोटीन 22 PMP22 का एक्सप्रेशन जो है वो इंड्यूस किया गया। तो जो माइस PMP22 ओवर एक्सप्रेस कर रहे थे यानी जिनको ये चार्कोट मेरिटू डिजीज हो रहा था उनमें पेरिफेरल नर्व लॉस जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि उनको एस्कॉर्बिक एसिड दिया गया और अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग ऑफ दिस रिसर्च एस्कॉर्बिक एसिड जो है इट इज वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द सेवेरिटी ऑफ द न्यूरोपैथी इन द ट्रांसजेनिक माइस व्हिच वर ओवर एक्सप्रेसिंग द PMP22 यानी वो माइस जिनमें चार्कोट मेरिटू डिजीज हुआ या जिनमें पेरिफेरल नर्व लॉस हुआ अगर हम उनको एस्कॉर्बिक एसिड के सप्लीमेंटेशन दें तो हम उनका जो ये सिवेरिटी है नर्व लॉस की उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अगेन एस्कॉर्बिक एसिड इज वेरी effective and it has therapeutic role in the CMT disease. हम इसको बिल्कुल reverse नहीं कर सकते लेकिन जो आपके nerve loss है
उसको रिड्यूस कर सकते हैं स्कॉर्बिक एसिड के साथ, क्योंकि सीएमटी जो है वो एक इनहेरिटेड डिजीज है और जो कि एक्चुअली जो है जिसकी वजह से आपके ये अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब जो है हैंड और फीट जो है वो काम करना छोड़ देते हैं. Now you are seeing different signs and symptoms of the Charcot Marie disease. और आप ये देख सकते हैं कि ये lack of muscle की वजह से high arc बन जाती है आपकी feet में, और ये भी एक इसका sign है, common sign है. इसके अलावा Gore sign, which is a medical sign that indicates the weakness of the proximal muscles, especially of the lower limbs. जो lower limbs हैं उनकी muscles इतने weak हो जाते हैं कि वो फिर इस तरह से उनमें सेंसेशन खत्म हो जाती है भी और काम करना छोड़ देते हैं. Common symptoms of this disease include the weakness of the legs and hands, high arched feet, clawed hands, thin calves, numbness है, high steppage or the foot slapping gait. Now what is gait? ये तो बताना चाहिए आपको. What is gait? चलने का अंदाज. Very good. Next, जो आपका वॉकिंग आप कैसे वॉक करते हैं, बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये साइन एंड सिम्टम है जिसको सीएमटी के पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वो फुट स्लैपिंग करते हैं क्योंकि उनका नर्व लॉस हो चुका होता है तो दे हैव डिफिकल्टी इन लिफ्टिंग द फुट, फुट ड्रॉप भी होता है. सो दीज आर द डिफरेंट साइंस जो कि आपको पता होनी चाहिए इस डिजीज के. Now, this is a YouTube video which is basically demonstrating the steppage gait. जो मैंने आपको कहा है कि steppage gait होती है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. Foot slapping है, steppage gait है. Alright. Now let's talk about the role of ascorbic acid in cancer cells. ठीक है, हम सब ये बात जानते हैं कि भाई वो विटामिन सी जो है ना वो बहुत एक इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है और डिफरेंट डिजीजेज में हम इसकी सप्लीमेंटेशन को यूज कर सकते हैं. तो कैंसर सेल्स की बात करते हैं, जीन एक्सप्रेशन कैसे चेंज होता है अगर हम ascorbic acid के सप्लीमेंटेशन दें. So changes in the gene expression in cancer cells which are treated with increasing dose of ascorbic acid has been observed. Only 30 genes were down-regulated by the ascorbic acid treatment, and among these 12 were involved in the cell division. Ascorbic acid stops the cell proliferation and it kills the dividing cell by necrosis at higher concentration. So, अगर हम कैंसर पेशेंट्स को हाई डोजेस में एस्कॉर्बिक एसिड दें तो 30 जीन्स जो है वो डाउन रेगुलेट होते हैं और 30 में से 12 जीन्स दे आर इन्वॉल्व इन द सेल डिविजन. जो सेल प्रोलिफरेशन है ये इसको कम करता है एस्कॉर्बिक एसिड, और सेल डिविजन को जो डिवाइडिंग सेल्स को किल करता है जिससे कैंसर मतलब जो कैंसर सेल्स हैं या कार्सिनोजेनेसिस है उसको कम करने में या उसको स्टॉप करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. मैकेनिज्म इसका ये है कि विटामिन सी जो है दो तरह से जो है कैंसर सेल्स की डिवीजन को ब्लॉक करता है. नंबर वन, इट ब्लॉक्स द ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच इज इंड्यूस्ड बाय द कार्सिनोजेंस, एंड इट आल्सो एक्टिवेट्स द 10-11 ट्रांसलोकेशन एंजाइम्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन द डीमिथाइलेशन ऑफ द डीएनए इन हिस्टोन. लास्ट में आपने टीईटी एंजाइम्स पढ़े थे जिसमें विटामिन सी जो है बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. टीईटी एंजाइम्स जो है वो बेसिकली डीमिथाइलेशन में इन्वॉल्व होते हैं. तो विटामिन सी जो है वो दो तरह से कार्सिनोजेनिक जेनेसिस को प्रिवेंट करता है. नंबर वन, इट ब्लॉक्स द ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कार्सिनोजेंस. नंबर टू, इट एक्टिवेट्स द टीईटी एंजाइम्स. सो कंक्लूजन इज Vitamin C is found to be a key mediator of the interface between the genome and environment. It regulates DNA demethylation as a cofactor for TET deoxygenases, which helps to erase the DNA methylation and epigenetic memory, which is imported by the carcinogens.
ठीक है. सो इस रिसर्च में ये प्रूव किया गया है कि विटामिन सी जीन लेवल के ऊपर एक एपिजेनेटिक चेंजेस लेके आता है बाय एक्टिवेटिंग द टीईटी एंजाइम्स. Alright, so it is another case study in which the effect of vitamin C on inflammatory condition has been studied. So for this research, healthy volunteers were supplemented with 1 gram of vitamin C per day for 5 consecutive days. मतलब 5 days तक vitamin C की supplementation दी गई और देखा गया कि inflammatory conditions में इसका क्या रोल है. So microarray results of this research indicated that 5 days of vitamin C supplementation induces a differential expression of only one gene, which is known as kallikrein, and it was upregulated. ठीक है. अब इस research में 5 days तक healthy volunteers को vitamin C की supplementation दी गई. तो रिसर्च से हमारे पास एविडेंस आया है कि विटामिन सी जो है वो जीन लेवल के ऊपर कैलेनेक्सिन के एक्सप्रेशन को इंक्रीज करता है, अप रेगुलेट करता है. नाउ व्हाट इज कैलेनेक्सिन? इट इज एन इंटीग्रल प्रोटीन व्हिच रिजाइड्स इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और इसका जो मेन फंक्शन है, रोल है आपकी बॉडी में, वो ये है कि एक्ट्स एज अ शेफरॉन. एंड शेफरॉन मीन्स कि इट बेसिकली एक्ट्स एज अ सुपरवाइजर for ensuring the proper folding and quality of the glycoproteins. जो आपकी body में glycoproteins हैं, उनकी folding को ये ensure करता है kallikrein. और kallikrein का जो expression है, वो vitamin C के ऊपर dependent है. Kallikrein also contains the binding site for the ATP and calcium ion. It is also able to recruit enzymes which catalyze the folding. It is also helpful in MHC class 1 protein folding. MHC class 1 proteins, they basically trigger a response, an immediate response from the immune system. Yani aapki immunity ko boost karne mein bhi vitamin C ek important role play kar raha hai. Aur gene level pe ye dekha gaya hai ki 5 days tak agar hum vitamin C le rahe hain to ye kallikrein ke expression ko promote karta hai. Aur kallikrein jo hai wo MHC class 1 proteins ki folding ko ensure karta hai. Aur MHC class 1 proteins jo hai wo immune response generate karne mein ek important role play karte hain. To aise vitamin C gene level ke upar aapki immunity ko boost karta hai. This picture is basically explaining the role of molecular chaperon. और शेफ्रॉन जो है वो बेसिकली सुपरवाइजर्स होते हैं जो कि आपके अमाइनो एसिड की फोल्डिंग को इंश्योर करते हैं कि वो प्रॉपर्ली फोल्ड हो. कैसी कि आपके पास चेन अमाइनो एसिड है, मॉलिक्यूलर शेफ्रॉन जो कि कैलेनेक्सिन है, वो इसकी फोल्डिंग को इंश्योर करेगा, प्रोटीन फोल्ड हो जाएगी और शेफ्रॉन जो है वो सेपरेट हो जाएगी. सो व्हाट हैपेंस इफ कैलेनेक्सिन फेल्स? अगर बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो कैलेनेक्सिन का एक्सप्रेशन भी अफेक्ट होगा. कैलेनेक्सिन अगर फेल हो जाए तो सेल टू सेल एडेशन नहीं होगी, सेल सिग्नलिंग नहीं होगी, इम्यून डिस्टर्बेंस होने के चांसेस हैं और बॉडी टाइप्स, ये ब्लड टाइप्स जो हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है. नाउ What happens if T cell will escape? ये जो इम्यून डिस्टर्बेंस उन्होंने लिखी हुई है, सम ऑफ द टी सेल विल एस्केप, इससे क्या होगा? टी सेल अगर एस्केप हो जाए पेरिफेरी में तो क्या होता है? जी बच्चों, मैम इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस. नहीं सोया, टी सेल अगर एस्केप हो पेरिफेरी में कौन से डिजीजेस होते हैं? इम्यून डिस्टर्बेंस होती है. Inflammatory bowel disease होती है. Inflammatory bowel disease, which is an autoimmune disease. ठीक है? Yes, ma'am, autoimmune. Very good. So T cell अगर periphery में escape हो जाए तो उसकी वजह से autoimmune disorders हो सकते हैं, जैसे कि inflammatory bowel disease एक example है. ठीक है? तो kallikrein basically जो है वो ensure करता है कि proteins जो है उनकी proper folding और वो proper role play कर सके आपके body में. ब्लड टाइप्स की आइडेंटिफिकेशन, जो ब्लड टाइप्स हैं बच्चों उन पे आरएच फैक्टर होता है. ठीक है, वो प्रोटीन्स होती हैं. सो अगर कैलेनेक्सिन नहीं होगा या प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो उसकी वजह से ब्लड टाइप्स की आइडेंटिफिकेशन भी नहीं होगी.
Now the question is ascorbic acid also a signaling molecule which regulates the gene expression? Yes or no? हाँ जी बच्चों, ये आप लोगों की नॉलेज टेस्ट करने के लिए कि आप लोग सोलो का जागरूक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट कर सकता है या नहीं कर सकता? यस मैम। हाँ जी, और इकरा के अलावा और सब सो रहे मैम? करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली करते हैं। वेरी गुड जी, वेरी गुड इकरा, थैंक यू। बच्चों इतनी देर से मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वाइटामिन सी जो है वो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकता है। कहने के लिए एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है और कहने के लिए इनडायरेक्टली कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे, जैसे ये आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सारे जो एंजाइम्स और हॉर्मोन्स हैं इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं जो कि आगे जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहे हैं। तो ये जीन एपिजेनेटिक चेंजेस लेके आता है आपकी बॉडी में, जैसे टीईटी एंजाइम्स हैं वो डायरेक्टली एपिजेनेटिक चेंजेस में इन्वॉल्व हैं, और ये जो हाइपोक्सिया फैक्टर है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। तो वी हैव अ साइंटिफिक एविडेंस के बाकी एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो आपके जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकता है। और हम जो ये स्टडी देख रहे थे जिसमें 5 days तक वाइटामिन सी की सप्लीमेंटेशन दी गई, तो उससे क्या इफेक्ट हुआ? 39 जीन्स वर अफेक्टेड बाय द वाइटामिन सी सप्लीमेंटेशन। 16 out of the 39 genes were mainly involved in the biological processes enrichment such as ribonucleoprotein complex biosynthesis, translation involved in RNA processing and chromatin organization pathway. So इस research में ये prove हुआ है कि वाकई vitamin C आपके gene expression को regulate कर सकता है। कैसे कर सकता है? एक तो ये आपके जो ribosome है इनके synthesis में, biosynthesis में रोल प्ले कर रहा है, ट्रांसलेशन में रोल प्ले करता है, आरएनए की प्रोसेसिंग में रोल प्ले करता है, क्रोमेटिन की ऑर्गेनाइजेशन यानी आपका क्रोमेटिन स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए की मिथाइलेशन और हिस्टोन की मिथाइलेशन से चेंज होता है, ठीक है? तो इस तरह से क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर में रोल प्ले करेगा। ट्रांसलेशन, बेसिकली ट्रांसलेशन क्या होती है? जब आरएनए से इंफॉर्मेशन आगे जाके प्रोटीन्स में ट्रांसलेट होती है, तो डिफरेंट प्रोटीन्स में वाइटामिन सी एज अ को फैक्टर एक्ट करता है और इस तरह से उनके एक्सप्रेशन को भी अफेक्ट करता है। कंक्लूजन, मेजर बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड हैज बीन बिकॉज ऑफ इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी एंड द मेजर सेलुलर फंक्शन हैज बीन टू प्रमोट द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फॉर्मेशन बाय स्टेबलाइजिंग द कोलेजन स्ट्रक्चर। सो दैट्स इट, एंड इफ वी summarize this whole lecture, तो ये बोर्ड पे भी मैंने आपको लिखा था, शुरू ही मैंने आपको बता दिया था, अगर आपने इस लेक्चर को पढ़ना है और कवर करना है तो हम इसको शुरू करते हैं कि वाइटामिन सी जो है वो इनडायरेक्टली जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, इनडायरेक्टली ऐसे के एक्ट्स एज अ कोफैक्टर एंड इट हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। और ये जो आपको सामने स्लाइड पे ब्लू कलर के जितने भी नेम्स नजर आ रहे हैं, हाइड्रोक्सिलेज, कार्निटीन, कैटेकोलामाइन्स, एमाइडेटेड पेप्टाइड्स, टीईटी एंजाइम्स, इन सब के लिए एज अ कोफैक्टर एक्ट करता है, ठीक है? एनी क्वेश्चंस? हाँ जी बच्चों, एनी क्वेश्चन? कोई बात अगर नहीं समझ आई उसको हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, जब आप लोगों ने ये लेक्चर पढ़ना हो तो मैं बार बार समझा रही हूँ, एंड पे आपके सामने स्लाइड है ना, इसको आपने सामने रखना, ठीक है? सामने वाली स्लाइड जो है, और वो फ्लो चार्ट भी इम्पोर्टेंट है, वो जो डायग्राम बनी हुई थी जिसमें ये सारे इनके नाम लिखे हुए थे, ये आप लोगों को सब याद होने चाहिए, कौन कौन से एंजाइम्स हैं, कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं और मैकेनिज्म क्या है, इनडायरेक्टली कैसे कर रहा है। इसके बाद आपने डिफरेंट डिजीजेस भी देखे हैं, कैंसर में इसका बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है, मैकेनिज्म क्या है, कैंसर में टीईटी एंजाइम्स
की एक्सप्रेशन की वजह से इसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है. फिर इसके बाद बर्न पेशेंट्स में इसका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलेटेड जीन्स में बड़ा इफेक्टिव इफेक्ट है. थेरेप्यूटिक इफेक्ट है इसका. इंफ्लेमेटरी डिजीजेज आपने कवर किए हैं. और लास्ट में मैंने आपको थोड़ा सा ऑटोइम्यून डिजीज में जिसमें कैलनेक्सिन का रोल है उसको भी हमने डिस्कस किया. एनी क्वेश्चन, कोई बात अगर नहीं समझ आई, कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर हुआ तो वो आप पूछिए. सबको समझ आ गई है? मुश्किल था आज का लेक्चर. हमना नूर जी मिस, हमना लेक्चर समझ आई है? जी आई है. मुश्किल था आज का लेक्चर? नहीं मैम, इजी था. चलो ना, फिर आप मुझे ये बताओ कि विटामिन सी इनडायरेक्टली कैसे जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है. विटामिन सी इनडायरेक्टली मैम, इनडायरेक्टली तो ये इस तरह कर रहा होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है, आरएनए ट्रांसलेशन है, आरएनए एक्सप्रेशन है और राइबोसोम्स की जो साइंथेसिस है उनके थ्रू कर रहा होता है. आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इनडायरेक्टली क्यों है, डायरेक्टली क्यों नहीं? मैम डायरेक्टली इसलिए कि ये डिफरेंट कोफैक्टर्स के तौर पे एक्ट कर रहा होता है ना डिफरेंट एंजाइम्स के लिए, इसलिए डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि ये कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करेगा तो जो वो एंजाइम्स हैं वो फर्दर रोल प्ले कर रहे होते हैं. वेरी गुड, आप लोगों को बार बार एक ही बात को रिपीट करके समझाने की कोशिश करूँ कि हमने एक्चुअली आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है. बच्चों बाहर, लीव द क्लासरूम. इसमें आप सब लोग जो है वो ऑन कैंपस होंगे, ऑनलाइन क्लासेस पे नहीं होगी बात. ठीक है,